जानकारी है सब्जियों में समेकित उर्वरकों की उपयोगिता कैसे करें। सबसे पहले मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। किसान भाइयों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सब्जियों की खेती प्राचीन काल से हम लोग करते आ रहे हैं। पहले हमारा फोकस रहता था कि सब्जियों की उत्पादकता को बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारी जैसे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही थी तो उसके खाद्यान्न के लिए सब्जियों की आवश्यकता अधिक थी। किसान भाइयों ने मेहनत के द्वारा उसकी उत्पादकता को बढ़ाया, और उसकी उत्पादकता बढ़ाने के संबंध में किसान भाइयों ने क्या किया, रासायनिक खादों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया, जिससे उसकी उत्पादकता बढ़ी। लेकिन साथ ही साथ हम लोग ये भूल गए कि उत्पादकता के साथ साथ उसकी गुणवत्ता में कमी आ गई। तो हमने देखा कि रासायनिक खाद प्रयोग करने से हमारी मिट्टी की उर्वरकता शक्ति धीमे धीमे कम होती जा रही थी। तो हमने क्या किया कि उसमें एक किसानों ने और वैज्ञानिकों ने उस पर एक शोध जारी किया, देखा कि हम लोग इस तरह से अगर एक समेकित उर्वरक प्रबंधन करते हैं तो हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बनी रहेगी और हमारी उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों बरकरार रहेंगी। उसके लिए जैसे हम रासायनिक का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो हमारी जो मिट्टी में जीवाणु होते हैं, जो लाभदायक जीवाणु, वो मर जाता है। उससे हमारा जो है आने वाले समय में उत्पादकता कम हो जाती है। तो समेकित में हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, उसके साथ जैविक खादों का प्रयोग करते हैं, कार्बनिक खादों का प्रयोग करते हैं और हरी खाद का प्रयोग करते हैं। अब हमको क्या है, चारों खादों का प्रयोग करना है, उसकी संतुलित मात्रा को बनाना है, उसी को हम समेकित कहते हैं। यानी चारों चीज़ों को मिला करके बराबर मात्रा में किसको कब और कैसे दिया जाए, उसको हम समेकित प्रबंधन कहते हैं, उर्वरकों का समेकित प्रबंधन। ये हुआ हमारा समेकित प्रबंधन। तो समेकित उर्वरक प्रबंधन में हम जैविक खाद या जीवाणु खाद, बायोफर्टिलाइजर कंपोनेंट और हमारी रासायनिक खाद, हरी खाद, सबको हम लगाते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है, तो किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो रासायनिक खाद का प्रयोग हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम तुरंत देंगे तो उसका इफ़ेक्ट हमें तुरंत मिल जाएगा। रासायनिक खाद डालते ही हमारी क्रॉप जल्दी बर्बाद होती है, उत्पादकता अधिक होती है, तो उससे लेकिन दीर्घ काल में देखा जाए तो उसके प्रभाव इतने नेगलेक्ट होते हैं, उतने खतरनाक होते हैं कि हम देखें हमारी ज़मीन की उत्पादकता कम हो रही है, धीमे धीमे वो क्षीण होती जा रही है। तो हम उसमें जैसे जैविक खाद की बात करते हैं, जैविक खाद में जैसे जीवाणु खाद होता है, राइजोबियम है और एजाइटोबैक्टर है, ये ऐसे जीवाणु होते हैं जिनको हम मृदा में डालते हैं तो वो मृदा की उसकी दशा को सुधारते हैं, और जो रसायन उसमें पड़ा हुआ है, जैसे हमने नाइट्रोजन डाला है, फास्फोरस डाला है, तो जैसे यूरिया जब डालते हैं तो नाइट्रोजन के रूप में तो 20-30% यूरिया ही या नाइट्रोजन हमारी ज़मीन ले पाती है, और बाकी का जो उर्वरक है, रसायन है, वो हमारी मिट्टी में नीचे चला जाता है या वायुमंडल में चला जाता है, जो वायुमंडल को दूषित करता है या मिट्टी को अनुपजाऊ बनाता है। ऐसे में जब हम जीवाणु खाद डालते हैं तो वो उनकी दक्षता को बढ़ाता है और उसकी मिट्टी की दशा को सुधारता है और वायुमंडल को भी सुरक्षित रखता है। ये हो हमारा जीवाणु खाद। दूसरी बात करते हैं कार्बनिक खाद की। जैसे कार्बनिक खाद में हमारे बहुत विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, जैसे गन्ना उत्पादन क्षेत्र है, इकाइयाँ हैं, और उनसे निकलने वाला कचरा, उसको हम जो कार्बनिक खाद में प्रयोग कर लेते हैं और उसको हम अपने खेत में डालते हैं, उससे भी हमारी मिट्टी की भौतिक दशा सुधरती है और उसकी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। तीसरी खाद की बात कर रहे हैं हम, जैसे घटक की बात कर रहे थे, उसमें आता है हरी खाद। हरी खाद क्या होती है, जैसे दलहनी फसलों को जब हम खेत में डालते हैं उनमें एक विभिन्न प्रकार की शक्ति होती है, वायुमंडल से नत्रजन को लेकर के अपनी जड़ों, जो हमारी पेड़ों की जड़ें होती हैं, उनकी गांठें होती हैं, उनमें नाइट्रोजन को फिक्स करता है और वो हमारी ज़मीन को उत्पादकता को बढ़ाता है। इसलिए हम हरी खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। हरी खाद हो गया, जीवाणु खाद हो गया, और एक आपका हमारा रसायन खाद, तीनों को हम बराबर मात्रा में प्रयोग करेंगे, जिससे समय समय पर प्रयोग करने से हमारी ज़मीन की भौतिक दशा सुधरेगी और वायुमंडल को हम सुरक्षित रख सकेंगे, और हमारा जो गुणवत्ता है सब्जी की, जैसा कि हम बात कर रहे थे, आने वाले समय में हम लोग सब्जियां खाते हैं तो उसमें बहुत सारे रासायनिक होते हैं जो हमारी शरीर को बीमारियों के लिए ओर ले जाते हैं, तो हमारी उस गुणवत्ता को भी हम सुधार सकते हैं।